वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन बदलाव एक पहली बन गया है। लंबे समय से संगठन बदलाव को लेकर हो रही चर्चा के बाद भी अब तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार तंज कस रही है। संगठन में बदलाव को लेकर कांग्रेस में जमकर एक्सरसाइज भी की जा रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चर्चा लंबे समय से जारी है, लेकिन अब तक इसे लेकर पहले विधानसभा उसके बाद लोकसभा चुनाव में बैक टू बैक मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों के साथ ही संगठन के कई नेता बदले जा सकते हैं। बदलाव होगा तो दीपक बैज की नई टीम मैदान में नजर आएगी। चर्चा लंबे समय से जारी है, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज जल्द बदलाव करने की बात जरूर कह रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि दीपक बैज को फ्री हैंड दे दिया गया है, जिसके बाद बड़े नेताओं से तालमेल स्थापित कर दीपक बैज जल्द एक सूची एआईसीसी को सौंप देंगे। सूची बन रही है, नेताओं से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही संगठन में कसावट लाने के लिए निश्चित रूप से मजबूत कार्यकर्ताओं को अवसर देंगे। संगठन में बदलाव को लेकर हो रही चर्चा के बीच बीजेपी भी जमकर चुटकी ले रही है। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि कांग्रेस की चुनाव पद्धति ही अलग है। पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर नीचे के पदाधिकारी बनाए जाते हैं, जबकि बीजेपी में निचले स्तर से शुरुआत होती है। उनके चुनाव और हमारे चुनाव प्रक्रिया में यही फर्क है। चुनाव पद्धति ही अलग है। उनका पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, उसके बाद नीचे के लोग बनते हैं। हमारे यहाँ नीचे के लोग पहले बनते हैं, पहले बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनकी चुनाव की प्रक्रिया और हमारे चुनाव की प्रक्रिया में बहुत। छत्तीसगढ़ में दो बड़े चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर लंबे समय से चर्चा है। कहा जा रहा है कि युवा और अनुभवी लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी सूची सामने नहीं आ पाई है। अब देखना होगा कि दीपक बैज युवा और अनुभवी चेहरों में कितना सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, या फिर बड़े नेताओं के दबाव में सूची अटकी रह जाती है। रायपुर से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट।